जी मेरा सवाल सतर को लेकर था। जैसे बताया जाता है औरतों का और आदमियों का एक सतर है, तो उसकी क्या हदूद है? जैसे स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, तो क्या उसमें मर्द जो है वो घुटनों के ऊपर जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो अलाउड है ऐसा पहनना कि नहीं? और ये जनरल आदमी और औरतों का सतर कितना है और क्या है? शुक्रिया जी। सतर की कोई बहस हमारी शरीयत में सिरे से है ही नहीं। जो बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाई है वो नहायत इजमाली लेकिन बड़ी मौसर है, और वो ये कि हर शख्स को हिफ्ज़े फ़ुरूज का एहतमाम करना चाहिए, यानी शर्म की जगहों को महफूज रखने का। उसमें सारी बात शामिल है, यानी उन शर्म की जगहों में किसी गलत चीज़ की तरफ मैलान पैदा ना हो, उनका बेजा इफ्शा ना हो, उनकी नुमाइश ना हो, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसकी इब्तदा तो वहीं से होती है कि आप शर्मगाहों को ढांप लें, और इसके बाद जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम, और इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम ये दुनिया की हर तहजीब में पसंदीदा ही समझा जाता रहा है, हमारी तहजीब में भी पसंदीदा है। तो आपने ख़ास उन अज़ा को ढांप लिया, पहला तकाजा पूरा हो गया। आपने उनसे मुत्तसिल अज़ा को ढांप लिया, आपने अच्छे तरीके से ये काम किया। आपने उनसे भी मुत्तसिल अज़ा को ढांप लिया तो आपने अच्छा इस्तेहबाब का तरीका इख्तियार किया, और आपने अपने सारे जिस्म को बहुत अच्छे तरीके से ढांप लिया तो क्या कहने। तो इसमें ये तरीका इख्तियार किया गया हिफ्ज़ फ़ुरूज का। मैंने इसकी बहुत तफसील से वजाहत की है 23 एतराज़ात की सीरीज़ में, उसको आप सुन लीजिए। उसमें मैंने ये बताया है कि इब्तदा कहाँ से होती है। तो इब्तदा जिसको हमारे यहाँ सतर कहा जाता है वो तो शर्मगाहों को बस ढांप लेना है, यानी इसी से इब्तदा होती है, यही कम से कम तकाजा है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर फुकहा ने सद्दे ज़रिया के तौर पर मुतय्यन की हैं, और उन्हीं को आमतौर पर वो बयान करते हैं, उसकी कोई असल बुनियाद नहीं है। बड़ी बहसें इस मामले में हमारे यहाँ रान को छुपाने के बारे में की गई हैं। उसमें भी हकीकत ये है कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईरान से कपड़ा उठा हुआ था, वो रवायतों में भी आता है, और बल्कि उससे आगे भी है कि जब सैयदना उस्मान आए तो आपने ढांप लिया, तो लोगों ने कहा कि इससे पहले तो आपने ये एहतमाम नहीं किया। तो आपने फरमाया कि इनसे तो फरिश्ते भी शर्म करते हैं। तो इससे ये बता दिया कि इसका ताल्लुक मौके मौके से होता है, हालात से होता है। खेल कूद का लिबास और होगा, घरों का लिबास और होगा, इन सब चीज़ों का तहजीबी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बाकी जिसको सतर कहा जाता है वो शर्मगाहों का ढांपना है, और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।